ये जो आप काफला देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सभी अध्यापक अध्यापिका हैं। और इतने बड़े सैलाब का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं जितेंद्र साहे जी, जो अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ जनता मंत्र पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र साहे जी, ये जो इतना बड़ा सैलाब आपने इकट्ठा करा है, इस सैलाब को इकट्ठा करने में आपको क्या क्या परेशानी आई? ये रैली नहीं, रैला है, और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन इस नाते हो गया। अपर मुख्य सचिव को नामित किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसको उन व्यक्ति को 20 विभाग दिया गया है, असम मालदार विभाग दिया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है, और शिक्षा मित्रों को गुमराह करके 7 बार बैठक किए, और बैठक करने के बाद 10,000 का मानदेय का घोषणा किए। जब CM साहब के सामने हम लोग विरोध कर दिए कि समान कार्य समान वेतन से कम का समझौता नहीं होगा, तो कैबिनेट में पास कराने के, ये आंदोलन राज प्रताप सिंह जी द्वारा एक कराया जा रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किए, अब केंद्र की सरकार को बदनाम करने की तैयारी है उनकी। मैं हटूंगा नहीं, समान कार्य समान वेतन लेकर रहूंगा, चाहे जेल भरना हो जेल भरूंगा, आमरण अनशन में जाना हो आमरण अनशन करूंगा, लेकिन हम दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं। क्या कारण है कि शिक्षा मित्रों का प्रमोशन कर दिया, सहायक अध्यापक का अब उनका रिमोशन कर दिया, उनको वहीं शिक्षा मित्र में ले आए, क्या कारण है? वो कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मैं मान रहा हूँ, सम्मान भी दे रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि इनको समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं सरकार के अधिकारी से कि हम शिक्षा मित्र हैं कि चपरासी है कि सफाई कर्मी है कि भिखमंगा है, ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं तय कर रही है? जब हम शिक्षक का काम कर रहे हैं तो शिक्षक के कम सैलरी नहीं लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेकर? आमरण अनशन पे बैठेंगे, नहीं होगा तिहाड़ जेल भर देंगे, लेकिन दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा कि हम जेल भरेंगे, और जो अभी आपने यहाँ जो इतना बड़ा सैलाब लाए हैं, क्या राज्य सरकार से आपकी कोई किसी तरीके की वार्ता हुई? राज्य सरकार से बात नहीं करनी है, PM साहब जी बनारस में मैं ही बात किया था। PM साहब ने वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की मेरी जिम्मेदारी है, इस नाते उस जिम्मेदारी अपना निभाए, शिक्षा मित्र को शिक्षक बनावे, क्योंकि 9 अगस्त को उन्होंने खुद कानून बना दिया है कि 2015 तक जो भी लोग नियुक्त कर दिए गए हैं वो सहायक अध्यापक बने रहेंगे और योग्यता बढ़ाते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उसके दौरान अध्यापक यहाँ दिल्ली की राजधानी जंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास में शिक्षा मित्र भी तो आता है। शिक्षा मित्र का रोजी रोटी क्यों छीनने का प्रयास किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल हो गई है, केंद्र सरकार को बदनाम करने की चाहत है कि केंद्र सरकार को बदनाम कर दिया जाए।